नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका क्रिकेट टाइम गुरु में और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। दोस्तों, क्रिकेट में आने के लिए और एक बड़ा क्रिकेटर बनने के लिए हमारे इंडियन प्लेयर्स ने भला क्या कुछ नहीं किया, उन्होंने अपनी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है। और दोस्तों, आज में यही देखा जा सकता है कि अगर आपके मन में क्रिकेटर बनने की चाह है तो उसे पूरा किया जा सकता है, बशर्ते उसके लिए आपको कड़ी मेहनत और कई सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। और दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंडियन प्लेयर के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने पिता की बात ना मानते हुए और अपने कोच की बात को मानते हुए अपने बोर्ड के एग्जाम तक छोड़ दिए थे, वो भी क्रिकेट के लिए। उस वक्त पर उनके पिता को भले ही ये लगा हो कि उनका बेटा बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन आज की डेट में शायद उनके पिता उन पर बहुत ही ज्यादा नाज करते होंगे। तो दोस्तों, ज्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए जल्दी से आपको बताते हैं इस प्लेयर के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, हम जिस खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है रवि बिश्नोई, जिन्हें लखनऊ टीम ने अपने साथ आईपीएल सीजन 15 के लिए जोड़ा है, वो भी 4 करोड़ रुपए में। और तो और, अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज और टी20 सीरीज के लिए भी रवि बिश्नोई को टीम इंडिया में शामिल कर लिया गया है। यानी वो एक तरफ रोहित शर्मा की कैप्टनसी में कमाल करते दिखाई देंगे तो वहीं आईपीएल सीजन में वो केएल राहुल की कप्तानी में मैदान पर अपना जलवा दिखाते हुए नजर आएंगे। बता दें दोस्तों कि अगर रवि बिश्नोई आईपीएल सीजन 15 और वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हो सकता है कि वो रोहित शर्मा की कप्तानी में इंटरनेशनल करियर में भी अपना आगाज कर लें। लेकिन दोस्तों, शायद आप ये नहीं जानते हैं कि आखिर रवि बिश्नोई यहाँ तक पहुंचे कैसे। तो आज हम आपको इस वीडियो में रवि बिश्नोई के यहाँ तक पहुँचने के पूरे सफर के बारे में बताने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा दिलचस्प है दोस्तों। तो इस वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, बात साल 2018 की है जब रवि बिश्नोई को 12वीं के बोर्ड एग्जाम देने थे। इस बीच आईपीएल सीजन की शुरुआत हो चुकी थी और रवि को राजस्थान रॉयल्स के लिए नेट बॉलिंग करने का मौका मिला था। रवि के पिता ने उन्हें फोन कर रॉयल्स का कैंप छोड़कर अपने 12वीं के एग्जाम पर ध्यान देने के लिए कहा और उस वक्त रवि बिश्नोई भी अपने पिता की बात मानकर तैयार हो गए। लेकिन जब रवि बिश्नोई ने अपने दोनों कोचों से इस बात पर सलाह मांगी तो उन्होंने रवि को बताया कि वर्ल्ड क्लास बल्लेबाजों के सामने नेट में बॉलिंग करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है और अगर उन्हें यहाँ पर पहचान मिली तो फिर क्रिकेटर बनने का उनका जो सपना है वो सच हो सकता है। दोस्तों, यही वो साल था जब रवि की लेग स्पिनर क्रिकेट जगत में उनकी एक अलग पहचान बना रही थी। और बाद में रवि बिश्नोई ने अपने पिता की बात को ना मानते हुए क्रिकेट प्रैक्टिस को जारी रखा और अपने बोर्ड के एग्जाम्स छोड़ दिए। सूत्रों के मुताबिक इस बारे में जोधपुर के स्पार्टन क्रिकेट अकेडमी चलाने वाले रवि के कोच प्रद्योत सिंह ने कहा था, ये मार्च 2018 का समय था। रवि को राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों को नेट में बॉलिंग करने के लिए अपनी बारी आने का इंतजार था। तब रवि को भरोसा भी नहीं था कि उन्हें वहां बॉलिंग करने का मौका मिलेगा भी या फिर नहीं। जब उनके पापा का कॉल आया तो वो भी नेट छोड़कर घर वापस जाना चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और इसीलिए वो रॉयल्स कैंप में रुके और उन्होंने अपने बोर्ड के एग्जाम्स को छोड़ दिया। यानी दोस्तों, अगर देखा जाए तो रवि भी उन खिलाड़ियों में शामिल है जिन्होंने पढ़ाई के ऊपर खेल को प्रायोरिटी पर रखा, जो कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दरअसल वो राजस्थान रॉयल्स के लिए नेट बॉलर चुने गए थे और उसी समय उनके 12वीं के बोर्ड एग्जाम थे। उनके पिता उनको खुद भी चाहते थे कि वो एग्जाम दें और अब देखिए कि उन्हें पहली बार टीम इंडिया में शामिल किया गया है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद रवि बिश्नोई को ना तो अंडर 16 की टीम में जगह मिली और ना ही अंडर 19 में, और इससे रवि बिश्नोई काफी ज्यादा दुखी हो गए थे। लेकिन इस खेल को लेकर रवि बिश्नोई का जो प्यार और एक जो सपोर्टिंग सिस्टम था उसने उनका मनोबल गिर नहीं दिया। आपको बता दें कि रवि बिश्नोई का अंडर 19 के लिए 2 बार हुए ट्रायल में रिजेक्शन हुआ था, लेकिन जब वो बतौर नेट बॉलर राजस्थान रॉयल्स में बॉलिंग करने लगे तो कई लोगों की नजर उन पर पड़ी और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें भारत की तरफ से अंडर 19 वर्ल्ड कप 2019 और 20 में खेलने का मौका मिल गया। इस टूर्नामेंट में रवि ने कुल 17 विकेट अपने नाम किए थे,
जिसमें जापान और न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया था। बता दें कि रवि की उंगली को देखकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड भी हुए थे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, जिसमें उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस जो थी वो थी 5 रन लेकर 4 विकेट झटना। दोस्तों, रवि बिश्नोई की अगर अब तक के क्रिकेट करियर की बात की जाए तो रवि ने अब तक लिस्ट ए करियर में 17 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 24 विकेट अपने नाम किए हैं और उनका स्क्वायर रेट रहा है 39.6 का। T20 में अपना शानदार खेल दिखाते हुए 42 मैचों में रवि बिश्नोई ने 49 विकेट झटके हैं, तो वहीं बिश्नोई ने 23 IPL मैचों में 24 विकेट भी अपने नाम किए हैं। बता दें कि रवि बिश्नोई की सबसे बड़ी खासियत यही है, दबाव में विकेट दिलवाना, और उनकी इसी खूबी की वजह से उन्हें IPL की नई फ्रेंचाइजी लखनऊ ने उन्हें अपने साथ जोड़ा है। और अब इस युवा मिस्ट्री स्पिनर को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और T20 होम सीरीज के लिए सिलेक्टेड टीम इंडिया में शामिल किया गया है, और अगर वो इस दौरान काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में ये लेग स्पिनर अपने इंटरनेशनल करियर का भी आगाज कर ले। तो इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए रवि बिश्नोई के पास ये बहुत ही अच्छा मौका है, मौका अपना जलवा दिखाने का, मौका मैदान पर सामने वाले खिलाड़ियों के छक्के छुड़ाने का और मौका अपने सपनों को साकार करने का। तो दोस्तों, ये है रवि बिश्नोई, जिन्होंने क्रिकेट के लिए अपने बोर्ड एग्जाम तक छोड़ दिए थे। तो दोस्तों, अगर आप भी हैं रवि बिश्नोई के फैन और अगर आपको उनकी ये जर्नी पसंद आई और ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ये भी कि क्या आप रवि बिश्नोई को इंटरनेशनल क्रिकेट में भी खेलता हुआ देखना चाहते हैं, तो दोस्तों जल्दी से फोन उठाइए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको रवि बिश्नोई की जो ये जर्नी थी अब तक की, जो उन्होंने क्रिकेट के लिए अपने बोर्ड एग्जाम छोड़ दिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे क्रिकेट से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइव गुरु, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।